हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल टॉयज़ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैन यू नेम फाइव, ये जो बोर्ड गेम है इसको हम लोग जो है अनबॉक्स करेंगे, रिव्यू करेंगे और समझेंगे कि गेम को जो है खेलना कैसे है और कौन कौन जो है इस गेम को खेल सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ आपको, ये फैमिली गेम है और 8+ के बच्चे जो है वो ये गेम खेल सकते हैं, ग्रुप में खेल सकते हैं मोर देन 2 प्लेयर्स। सो फन स्कूल का गेम है ये, काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है। इसका बैक पोर्शन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। सो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कुछ कार्ड्स है और कुछ ऑप्शंस है यहाँ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कंटेंट्स है 180 नेम कार्ड्स है, उसके अलावा 900 चैलेंजेस है, गेम बोर्ड है, डाइस है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो मैं आपको ओपन करके बताऊँगा कि ये एग्जैक्टली है क्या। तो इसका प्राइस देख लेते हैं हम लोग। सो इसकी प्राइसिंग है 499, यहाँ पे थोड़ा ब्लर है बट ठीक है, इसका 499 MRP है यहाँ पे। तो मैं आपको अंदर के कंटेंट बता देता हूँ ओपन करने के बाद फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना और साथ ही बाजू में सब्सक्राइब का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर देना। सो अभी इसको ओपन कर लेते हैं पहले। सो हमने ये ओपन कर लिया, अभी प्लास्टिक को टेयर कर दिया है, अभी बॉक्स ओपन कर लेते हैं और देखते हैं अंदर एग्जैक्टली कंटेंट है क्या। सो सबसे पहले ओपन करने के बाद आपको ये गेम बोर्ड देखने को मिलेगा यहाँ पे। सो इसको बाहर निकाल लेते हैं और ओपन करके देखते हैं एग्जैक्ट साइज़। तो ये साइज़ का एक गेम बोर्ड है। सो आप देख सकते हो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है और ये जो है थोड़ा राउंड होने के बाद लाइक आप देख सकते हो एंड पॉइंट भी दिया हुआ है, यानी फिनिश पॉइंट यहाँ पे। तो अलग अलग कलर्स हैं यहाँ पे सब, मतलब हर एक पोजीशन पे अलग अलग कलर है। तो इसका मैं बताता हूँ एग्जैक्टली क्या है। सो ये है, आप देख रहे हो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, तो इसमें बताया कि कैसे आपको खेलना है, सो हाउ टू प्ले है, और कैसे मतलब कौन से कलर्स से आपको क्या इंडिकेशन है, मतलब वो सब चीज़ पता चलेगी अभी आपको। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये पॉन्स है, यानी आपकी जो सोंठी आप बोलते हो वो, और ये कुछ कार्ड्स है, यानी बहुत सारे कार्ड्स है इसके अंदर, बंच ऑफ कार्ड्स है और एक टाइमर दिया हुआ है। सो ये टाइमर आपको लगा के खेलना है आपको। सो ये टाइमर डाउन होने तक आपको जो है वो आंसर करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, इसमें से समझते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल के ये कार्ड्स में क्या क्या लिखा हुआ है और डाइस दिया हुआ है। सो हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले निकाल लेते हैं और जगह पर इसको प्लेस कर देते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पर। सो ओपन कर लेते हैं पहले। सो ये हमने निकाल दिया और स्टार्टिंग पॉइंट पे लगा दिया यहाँ पर, और डाइस भी दिया हुआ है साथ में आपको। सो डाइस थ्रो करता हूँ मैं अभी, मुझे जो नंबर आया 4 वो हिसाब से मैं मूवमेंट करूँगा। सो ये देखिए अभी मुझे 4 नंबर आया है, तो वो हिसाब से कार्ड आपको जो है पिक करना है, और जो भी आपको कलर आया है, जो भी लिखा हुआ है, सो आपको क्या करना है बेसिकली वो कलर का कार्ड आपको पढ़ना है और उससे रिलेटेड 5 चीज़ें आपको बोलनी है यहाँ पे। सो ये देख सकते हो यहाँ पे आपको मे बी लिखा हुआ ब्लर दिखेगा, बट जो भी कलर आया आप क्या कर सकते हो उससे रिलेटेड 5 चीज़ आपको नाम बोलना है। तो अगर आपको 2 कलर आ रहा है एक टर्न पे, तो आप कोई भी 2 कलर पे से डिसाइड कर सकते हो कौन से कलर पे आपको बोलना है वो हिसाब से। सो ये अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं सब में, आपको रीड करना है उसके अकॉर्डिंग। अभी जैसे ये वाले पॉइंट पर लिखा है व्हीकल विथ लेटर ब्लू, मतलब लेटर बी। सो अभी बी रिलेटेड जो भी नेम है उसमें आपको 5 व्हीकल के नाम जो है वो बोलना है वैसा। सो ऐसे ही अलग अलग कार्ड्स है इसमें और अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आपको कोई भी 5 नेम का जो है उसमें पॉइंटिंग करना है। सो यहाँ पे भी अलग अलग कार्ड्स है, सब में कुछ ना कुछ अलग लिखा हुआ है, टास्क बहुत सारे हैं इसके अंदर। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू एंड बाय बाय।